नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSEVLE हैं और आपका नाम आयुष्मान भारत लिस्ट में नहीं है, तभी आप अपना और अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। जी हाँ, CSEVLE के लिए एक अलग पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से वे अपना और अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपना और अपना परिवार का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबरें मिलती रहती है, ताकि जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आयुष्मान कार्ड VLE अपना और अपने परिवार का कैसे बना पाएंगे। दोस्तों, इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों, मेरे पास एक स्लाइड है, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर का आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने CSEID पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा, उसको डालकर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप देखेंगे VLE का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस इत्यादि शो करेगा। अब आपको आयुष्मान कार्ड बनाना है अपने फैमिली मेम्बर का और अपना, तो आप यहाँ देखेंगे एड फैमिली मेम्बर का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही एड फैमिली मेम्बर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि सभी मेंबर के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, तभी आप बना पाएंगे आयुष्मान कार्ड। दूसरा है, आप जो भी डिटेल्स भरेंगे उसको करेक्ट भरेंगे, क्योंकि भरने के बाद उसे आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और तीसरा दिया गया है कि द अप्लीकेशन फी पैड वुड बी अप्लीकेबल फॉर 1 ईयर। जितने मेंबर का आप आयुष्मान कार्ड बनाएंगे उनके लिए अप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना पड़ेगा, और वह जो फ़ी होगा 1 साल के लिए होगा, 1 साल के बाद पुनः आपको फ़ी पे करना होगा। इसके बाद है VLE नीड्स टू मेक द पेमेंट इन एडवांस फॉर टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ द स्कीम। जितने VLE हैं उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वे पेमेंट करें, इसके बाद ही उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिल पाएगा। तो आप अच्छा से सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद यहाँ आप कंसेंट देंगे, टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ आपका नाम शो करेगा, आप फादर नेम डाल देंगे यहाँ, और यहाँ अपना आधार नंबर डाल देंगे। डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ दिखेगा एड अनदर मेम्बर, तो आप क्या करेंगे, दूसरे मेम्बर का नाम ऐड करने के लिए जितने मेंबर का आपको आयुष्मान कार्ड बनाना है उन सब का नाम ऐड करना होगा पहले। तो पहले ऐड मेंबर पर आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ आप कंसेंट देंगे, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ जिस मेंबर का नाम ऐड करना है उनका नेम डालिए, फादर नेम डालिए, जेंडर डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ का ईयर डाल देंगे, और रिलेशन VLE के साथ उनका क्या रिलेशन है वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर, और उस कैंडिडेट का यहाँ आप आधार नंबर डालेंगे। डालने के बाद दूसरे मेंबर को ऐड करने के लिए यहाँ ऐड अनदर मेंबर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अदर मेंबर को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ऐसे आएगा। फिर पहले की तरह यहाँ नेम, फादर नेम, इसके बाद जेंडर, इसके बाद ईयर, डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालेंगे, और रिलेशन इसमें डाल देंगे, और मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालेंगे, और डालकर पुनः अनदर मेंबर को ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके दूसरे और तीसरे मेंबर को ऐड करेंगे। ऐसे 5 मेंबर को आप ऐड कर देंगे। 5 मेंबर को ऐड करने के बाद यहाँ टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ जो सबमिट बटन आपके सामने आ जाएगा इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने उन सारे मेंबर का नेम आ जाएगा जिनका नाम आपने इसमें ऐड किया होगा।
तो सभी व्यक्ति का नाम शो करेगा, फादर की डिटेल्स उनका शो करेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पर कंसेंट देंगे, टर्म कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे, और यदि देख लेंगे यदि सब कुछ राइट है तो आप यहाँ कंटिन्यू टू पे पर क्लिक कर देंगे। अगर कहीं गलती दिखता है तो आप एडिट पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और यहीं से आप एडिट कर लेंगे, इस पर जाकर के एडिट कर लेंगे। और कोई गलती नहीं है तो यहाँ कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू टू पे करेंगे तो आपके सामने एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि VLE को एक साल के लिए 2250 रुपये पे करना होगा, और 2250 पे करने के बाद ही वे आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे, अन्यथा उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाएगा। और ये जो 2250 है वन ईयर के लिए है, पुनः वन ईयर के बाद उनको 2250 पे करना होगा। और यह एक LIC की तरह है, हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है, और वैसे ही काम करता है। यदि आपका प्रीमियम फेल हो जाता है तो आयुष्मान कार्ड पर कोई काम नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से यह ज़्यादा बेटर नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छा है तो आप अपना कार्ड जरूर बनाएं। और 2250 वन ईयर के लिए 5 मेंबर के लिए है, आपको वन ईयर के बाद पुनः पे करना होगा, तभी वो कार्ड काम हो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे ही पे टू यहाँ कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने CSC वॉलेट पिन डाल करके यहाँ पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आप पुनः इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, इसी साइट पर आएंगे। आने के बाद यहाँ जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएगा, ठीक है, दिखाएगा, तो आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। और यहाँ आ करके यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ दिखेगा यहाँ पे सर्च बेनिफिशियरी, तो आपको सर्च बेनिफिशियरी पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ सर्च बेनिफिशियरी जो है इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सर्च पैरामीटर है, इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे CSE VLE। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे कस्टमर का आयुष्मान कार्ड बनाते हैं ठीक वैसा ही आप अपना आयुष्मान कार्ड यहाँ से बना लेंगे। तो इस तरह आप अपने और अपने फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं 2250 रुपये, जो कि वन ईयर के लिए है, और पे करने के बाद ही आप बना पाएंगे। तो इस तरह आप आयुष्मान कार्ड बना लें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भेली साथियों।